तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका मेरी फिर से एक नई वीडियो में। तो आज की जर्नी हमारी होने वाली है परभणी जंक्शन से पूर्णा जंक्शन के विद्युतीकरण की अपडेट। लेकिन उसके पहले अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बाजू में ही बेल आइकन के घंटे को दबा दीजिए और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज की ट्रेन जर्नी होने वाली है हमारी 17617 छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल से हजूर साहेब नांदेड़ जाने वाली तपोवन एक्सप्रेस से हमारी जर्नी होने वाली है। तो चलिए हमारी जर्नी को शुरू करते हैं। तो अभी हमारी तपोवन एक्सप्रेस अपनी रफ्तार में परभणी जंक्शन से निकल रही है। तो हमने देखा कि परभणी की आउटर पर काफी जगहों पर पोल्स बड़े और छोटे लगाए गए हैं और कुछ ही दूरी पर परभणी जंक्शन के आउटर पर काफ़ी जगहों पर फाउंडेशन का काम कंप्लीट हो गया है। लेकिन ये कुछ कुछ जगहों पर फाउंडेशन का काम जो पहले नहीं हुआ था वो अभी फाउंडेशन का काम चल रहा है। फिर हमारी ट्रेन परभणी और पिंगली के बीच में आ गई। तो यहाँ पर हमने देखा कि फाउंडेशन का काम काफ़ी जगहों पर कंप्लीट हो गया है, लेकिन ये कुछ कुछ जगहों पर ये काम फाउंडेशन का नहीं हुआ है। तो ये फाउंडेशन का काम भी जल्दी से जल्दी पूरा हो जाएगा ऐसा लग रहा है। तो हमारी तपोवन एक्सप्रेस अपनी रफ्तार में हवाओं को चीरते हुए पिंगली रेलवे स्टेशन को स्किप करने वाली थी। फिर हमने देखा कि यहाँ पर पिंगली रेलवे स्टेशन पर फाउंडेशन का काम ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है, लेकिन यहाँ पर अभी तक पोल्स का काम स्टार्ट नहीं हुआ है। तो फिर हमारी ट्रेन पिंगली रेलवे स्टेशन को स्किप करते हुए निकल गई।
फिर हम आ गए थे पिंगली रेलवे स्टेशन और मिरखेड़ रेलवे स्टेशन के बीच में। तो यहाँ पर हमने देखा कि काफ़ी जगहों पर फाउंडेशन का काम कंप्लीट हो गया है, काफ़ी मतलब पूरा ऑलमोस्ट काम कंप्लीट हो गया है, बस इक्का दुक्का जगहों पर ही फाउंडेशन का काम बचा है। तो हमारी ट्रेन चलते चलते मिरखेड़ रेलवे स्टेशन के पास आ गई, और मिरखेड़ रेलवे स्टेशन को स्किप करने ही वाली थी। तो हमने देखा कि मिरखेड़ रेलवे स्टेशन पर फाउंडेशन का काम है जो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है, लेकिन यहाँ पर भी अभी तक बड़े पुल्स का काम स्टार्ट नहीं हुआ है। तो मिरखेड़ रेलवे स्टेशन पर हमारी गाड़ी अचानक से गाड़ी की स्पीड कम हो गई, फिर हमारी ट्रेन धीरे धीरे करके मिरखेड़ रेलवे स्टेशन को भी स्किप कर गई। फिर हम आए मिरखेड़ की आउटर पर, तो हमने देखा यहाँ पर फाउंडेशन का काम है जो बहुत सारा कंप्लीट हो गया है पूर्णा और मिरखेड़ के बीच में। तो दोस्तों देखा जाए तो परपरी से पूर्णा के बीच में ऑलमोस्ट आधे से ज़्यादा काम फाउंडेशन का कंप्लीट हो गया है, और मिरखेड़ और पूर्णा के बीच में काफ़ी जगहों पर फाउंडेशन का काम है जो कंप्लीट हो गया है। बस पूर्णा के आउटर 5 किलोमीटर तक फाउंडेशन का काम अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ है, लेकिन वो मिरखेड़ के साइड से फाउंडेशन का काम कंप्लीट है और तेज़ी से काम हो भी रहा है। Thank you.
तो हमारी ट्रेन तेजी से चले ही जा रही थी कि अचानक से हमारी ट्रेन ने स्पीड कम कर दी। तो हमने देखा कि यहाँ पर रेलवे के अंडरग्राउंड ब्रिज का काम चल रहा है, इसलिए हमारी ट्रेन ने स्पीड कम कर दी थी। फिर हमारी गाड़ी धुआं उड़ाते हुए पूर्णा जंक्शन की ओर बढ़ रही थी। फिर हमारी गाड़ी अभी फिर अभी हमारी गाड़ी पूर्णा नदी से बड़ी आसानी से स्किप कर गई। तो हमारी गाड़ी पूर्णा जंक्शन पर एंटर हो रही थी, तो हमने देखा कि यहाँ पर जो जो फाउंडेशन का काम नहीं हुआ था वो फाउंडेशन का काम चल रहा है अभी। और यहाँ पर काफ़ी जगहों पर पोल्स लगाए गए हैं, ये मैंने पिछली कई सारी वीडियो में बताया है आपको। और दोस्तों, परभणी जंक्शन की जो वीडियो है वो मैंने डाली है अपने चैनल पर, अगर वो किसी ने नहीं देखी होंगी तो ये वीडियो देखने के बाद वो वीडियो जाकर आप देख सकते हो, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। तो गाड़ी हमारी स्लो चलते चलते हुए पूर्णा जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर आ गई। तो दोस्तों, अगर आप यहाँ तक वीडियो हमारी देखे होंगे तो आपको हमारी वीडियो अच्छी ही लगी होंगी। तो फिर मिलते हैं हम किसी और वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, धन्यवाद। और हाँ, जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा।